नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान ई बुलेटिन जो है वो जारी किया है। तो जी, इसमें जो है जी टोटल 26 पेजेस हैं और इसमें पेज नंबर 22 22वें पेज पे जो फैक्ट शीट दी गई है पोषण ट्रैकर जुलाई 2023, इसमें हर एक स्टेट के बारे में बताया गया कि हर एक स्टेट की क्या क्या पोजीशन है, कौन सी स्टेट की कितनी परफॉर्मेंस है। तो आज हम उसी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो इसमें लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स की हाईलाइट्स आर। तो जो सिलेक्टेड इंडिकेटर्स हैं उसकी उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके बारे में बताया गया है। तो अब हमें पहले जो जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और इन पे हमने फोकस करना है, चाहे वो वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या वर्दी CDPOs हैं। हमने इन 8 जो इंडिकेटर्स पे काम करना है ताकि जो हमारी स्टेट है या UT है वो टॉप नंबर पे आ सके। तो इसमें जो पहला इंडिकेटर है वो है आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन एटलीस्ट 21 डेज। तो ये तो आसान है क्योंकि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो 21 दिन से ज़्यादा ही आंगनवाड़ी सेंटर्स खोलती हैं, ओपन करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि भूल जाती हैं कि पोषण ट्रैकर में जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर ओपन नहीं करती हैं। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ये जो इंडिकेटर है इस पर ध्यान दिया जाए। तो इसमें आप जानते ही हैं कि टोटल हमारे देश में जो है भारत में 36 जो है स्टेट्स एंड UTs हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस बताई गई है कि जो 21 UTs या स्टेट हैं वो गुड पे आ रही हैं, 7 जो हैं वो मॉडरेट और 8 जो हैं वो पुअर कैटेगरी में आ रही हैं। तो जो दूसरा इंडिकेटर है वो है THR गिवन फॉर एटलीस्ट 21 डेज। तो एटलीस्ट 21 डे में डेज के लिए 21 दिन के लिए हमने THR देना ही देना है। तो इसमें जो गुड हैं वो 4 ही स्टेट्स आ रही हैं, 10 जो हैं वो मॉडरेट में आ रही हैं और जो 22 हैं वो पुअर में आ रही हैं। दैट मीन्स जे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इस इंडिकेटर पे लैग कर रही हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है HCM जो हॉट कुक्ड मील है गिवन फॉर एटलीस्ट 21 डेज, इसमें भी लैग कर रही हैं। इसमें जो एक स्टेट ही गुड में आ रही है, तो उसमें मॉडरेट में जो है वो 4 स्टेट्स आ रही हैं और पुअर में जो है वो 31 स्टेट्स आ रही हैं। उसके बाद जो चौथा इंडिकेटर है वो है टोटल आधार वेरिफिकेशन आधार वेरीफाइड बेनिफिशरीज, इसमें जो 30 स्टेट्स हैं वो गुड में आ रही हैं और उसके बाद जो 4 हैं वो मॉडरेट और 2 जो हैं वो पुअर में आ रही हैं। उसके बाद जो 5वां इंडिकेटर है वो है मेजरिंग एफिशिएंसी, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों का हाइट और वेट वगैरह करती हैं। उसमें 27 जो स्टेट्स हैं वो गुड में आ रही हैं, 3 जो हैं वो मॉडरेट में हैं और जो 6 में हैं 6 जो स्टेट्स हैं या यूटी हैं वो पुअर में आ रही हैं। उसके बाद जो शेमा इंडिकेटर है वो है स्टंटेड की जो ठिगनापन है, जिसमें दोनों इंडिकेटर हैं सीवियरली स्टंटेड और मॉडरेटली स्टंटेड। इसमें जो 11 स्टेट्स हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, गुड है, और जो मॉडरेट में आ रही हैं 23 स्टेट्स आ रही हैं मॉडरेट में और जो 2 हैं वो पुअर में आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 7वें इंडिकेटर की वो है अंडरवेट। अंडरवेट में जो गुड में आ रही हैं वो 13 स्टेट्स आ रही हैं, 18 स्टेट्स जो हैं वो मॉडरेट में आ रही हैं और जो 5 हैं वो पुअर में आ रही हैं। उसके बाद जो 8वां है वो है वेस्टेड कैटेगरी में। वेस्टेड आप जानते ही होंगे कि वो वाले बच्चे जिनकी हाइट तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन हाइट के मुताबिक जो वेट है वो नहीं बढ़ा है, उनका वजन कम है हाइट के मुताबिक। तो 25 जो हैं वो गुड में आ रही हैं और 11 जो मॉडरेट में आ रही हैं और 0 जो हैं वो पुअर में आ रही हैं। दैट मीन्स जिन 8 इंडिकेटर्स का हम सभी को ध्यान रखना है वो है आंगनवाड़ी सेंटर ओपन एटलीस्ट 21 डे, एक दूसरा है कि जो THR गिवन फॉर 21 डेज, 2 तीसरा है HCM गिवन फॉर 21 डेज, चौथा है कि जो आधार वेरिफिकेशन करनी है बेनिफिशरीज की सभी की होनी चाहिए, उसके बाद मेजरिंग एफिशिएंसी जो है जिस सभी की मेजरमेंट होनी चाहिए बेनिफिशरीज की हाइट और वेट की, उसके बाद जो स्टंटेड है
और जहाँ अंडरवेट चिल्ड्रन है, जहाँ वेस्टेड चिल्ड्रन है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर नॉर्मल में लाना है, यही हमारा पर्पस है। तो अगर हम ये टोटल 8 इंडिकेटर्स के बारे में देखें, तो जो जुलाई में जो रिपोर्ट जुलाई की जो जहाँ पे पेश की गई है, इसमें जो टॉप मोस्ट स्टेट है वो तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। दैट मीन्स ये जो तीन स्टेट्स हैं जो टॉप कर रही हैं, तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, चंडीगढ़ जो यूटी है वो दूसरे नंबर पे है और हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे आ रही है। और अगर हम लीस्ट परफॉर्मिंग में देखें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है, नागालैंड और लक्षद्वीप जो 34, 35 और 36 रैंक जो हैं इनके आ रहे हैं। दैट मीन्स जो लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं एक एक स्टेट की। सबसे पहले जो टॉप हमने बताया कि जो टॉप 3 हैं वो तमिलनाडु, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश हैं। जो चौथे नंबर पर जो स्टेट या यूटी है वो दिल्ली है। पाँचवें नंबर पर सिक्किम है। हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो छठे नंबर पे है। दैट मीन्स हमारी जो पोजीशन है इस समय जम्मू कश्मीर यूटी की वो छठे नंबर पे है। सातवें नंबर पे गुजरात है। मेघालय आठवें नंबर पे है। नौवें पे उड़ीसा है। दसवें पे तेलंगाना है। ग्यारहवें पे वेस्ट बंगाल है। बारहवें नंबर पे लद्दाख है। तेरहवें में मिज़ोरम है। चौदहवां नंबर जो है वो त्रिपुरा का है। हरियाणा का 15वां नंबर है। महाराष्ट्र का 16वां, असम का 17वां, आंध्र प्रदेश का 18वां, कर्नाटका का 19वां, गोवा का 20वां, उसके बाद जो 21वें नंबर पे है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो 22वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। 23वें पे राजस्थान। 24वें पे छत्तीसगढ़। 25 नंबर पे केरला है। 26 पे बिहार है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव जो 27 नंबर पे हैं। उत्तराखंड 28 पे है। पंजाब 29 पे है। मध्य प्रदेश 30 नंबर पे है। मणिपुर 31 नंबर पे है। झारखंड 32 नंबर पे है। पौंडीचेरी 33 नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश 34 नंबर पे है। नागालैंड 35 नंबर पे है। और जो लक्षद्वीप है जो 36 नंबर पे है। तो मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का कि हमें सभी को पता चल जाए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स पे हमने फोकस करना है। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन पोषण का उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।